हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कैबेज और मोजरेला चीज से भरा हुआ पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी लास्ट तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का सा चटकने देंगे। जीरा अपना चटक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने दो प्याज को एकदम बारीक बारीक काट रखा है, क्योंकि इस स्टफिंग के लिए कभी भी लच्छेदार प्याज नहीं काटना चाहिए। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसमें 2 से 3 मिनट ही लगता है। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। आप अपने तीखा के अनुसार 1 मिर्च और बढ़ा भी सकते हैं। तो हम मिर्च को भी प्याज के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे। अब देख सकते हैं अपने प्याज हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमें प्याज को ब्राउन नहीं होने देना है, हल्का सा सॉफ्ट होने देना है, जो कि हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमने बिल्कुल बारीकी से काटा है, आप देख सकते हैं। या तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, या बारीक काटने आता हो तो काटिए, लेकिन बिल्कुल बारीक कटा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टफिंग के लिए कैबेज कभी भी बारीक बारीक रहना जरूरी है। इसे हम प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। तो आपको पता होगा, जब भी हम कैबेज की सब्जी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो तेज फ्लेम पे ही इसे फ्राई करते हैं। तो हमें बराबर चलाते हुए इसे सॉफ्ट होने तक भूनना है। आप देख सकते हैं हमने गोभी को चलाते हुए 2 मिनट तक भूना है। गोभी अपनी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो आपको तीखा पसंद है, मिर्च की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए। अगर मीडियम में खाना है तो ये परफेक्ट माफ है। हम 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे। साथ में हम गरम मसाला डालेंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। तो ये स्टफिंग है, नमक अच्छे से बराबर मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो पराठे का टेस्ट बिगड़ जाता है। मसाला को हम मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं कैबेज को हमने भून के अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, लेकिन इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, उसको सूखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डालेंगे। ये चने का आटा है, इसे बेसन कहते हैं, इंग्लिश में इसे ग्राम फ्लोर भी कहते हैं, तो आप समझ के डाल दीजिएगा। आपको ज़रूरत पड़े तो 3 चम्मच भी कर लीजिए। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन डालने के बाद भी हमें 2 मिनट तक पका लेना है, बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे 1 चम्मच और बेसन डाल लेते हैं। इसे हमें स्टफ करने में आटा में दिक्कत नहीं आती है, इसका मॉइस्चर जो है वो बेसन अब्सॉर्ब कर लेता है और बेसन का भुना हुआ स्वाद भी बढ़िया आता है। तो हम बेसन डालने के बाद इसे 2 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। जब तक अपनी फीलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। आटा हमने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है। इसे हम एक ट्रे में ले लेंगे।
ये गेहूं का आटा नॉर्मल आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और 1/2 चम्मच हम नमक डाल लेंगे। नमक और तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे। तो ये नॉर्मल पानी है, ना हम गर्म लिए हैं ना ठंडा, क्योंकि गर्मी का सीजन है। अगर सर्दी होती है तो हम गुनगुने पानी से लगाते हैं। तो जैसे हम रोटी या चपाती का आटा लगाते हैं वैसे ही हम आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है और एक स्मूथ डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं हमने आटे को अच्छे से मसल मसल की और एक लोचदार डो तैयार किया है। लोचदार यानी कि हम ऐसे मुट्ठी बांध के इसको जितना मसलेंगे उतना ही बढ़िया डो तैयार होता है। पराठे के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। अपने आटे में लोच रहेगा तो पराठा फैलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि ऐसा लोच तैयार करने में हमें 5 से 6 मिनट लगता है। मुट्ठी से प्रेस कर करके हमने इसे अच्छे से आटा लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर 2 ड्रॉप तेल डालेंगे और ऐसे हथेली से फैला देंगे। इससे ऊपर की परत सूखेगी नहीं और आटा को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक अपना आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए हम फिलिंग में मोजरेला चीज ग्रेट कर ले रहे हैं। अपनी फिलिंग ठंडी हो चुकी है, चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल ये सूखा सूखा अपनी फिलिंग तैयार हुई है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। चलिए अब हम फिलिंग पे मोजरेला चीज ग्रेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेटर से अच्छे से इसे ग्रेट कर लेंगे। पराठे में मोजरेला चीज आप डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका जायका आप भुला नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पे मोजरेला चीज ग्रेट कर लिया है। अभी हम आधे ही फिलिंग में चीज को मिक्स करेंगे। 2 पराठा बनाने के बाद आधे में फिर से हम मोजरेला चीज ग्रेट करेंगे। इससे क्या होगा, अपना मोजरेला इधर बाहर नहीं पिघलेगा, जब हम पराठे तैयार करेंगे उसमें जाके ये अपना पिघलना शुरू होगा। तो चलिए हम पराठा तैयार करते हैं। हम डो को ले लेंगे और इसमें से हम एक छोटा सा लोई लेंगे, यानी कि आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उतना बड़ा लोई ले लेना है। लोई को हमें अच्छे से मैसते हुए गोल करना है। फिर हम इसे सूखे आटे में थोड़ा सा डस्ट करेंगे। अब चलिए हम इसे बेल लेते हैं। हमने एक रोटी बनाने वाला बेलन चौकी ले लिया है, उस पे लोई रखेंगे और इसकी पूड़ी तैयार कर लेंगे। हमने इसे एक छोटी सी रोटी के बराबर इसे बना लेना है। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने जो मोजरेला चीज मिक्स किया था कैबेज में, उसको अच्छे से भरेंगे। भरपूर मात्रा में हम फिलिंग डालेंगे तभी ये पराठा जो होगा मजेदार होगा। हमने फिलिंग डाल लिया, हाथ से हम हल्का सा ऐसे बीच में प्रेस कर लेंगे और ऐसे रोटी को चुन्नट बनाते हुए लोई तैयार करेंगे। ये तो बहुत आसानी से होता है, आप सबके घर में बनता ही होगा। जो बहने नहीं जानती हैं वो अच्छे से देख लें। फिर हम इसको ज्वाइंट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा इसे हम ऐसे काट के निकालेंगे, दूसरे लोई में यूज कर लेंगे। अब हम इसे हथेली से अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर सूखे आटे में ऐसे डस्ट करते हुए इसका पराठा बेल लेंगे। तो सबसे पहले हम हाथ से ही इसे थोड़ा सा फैला देंगे। आप देख सकते हैं अपनी पराठा इतना बड़ा फैल चुका है। अब हम इस बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसे घुमाते हुए एक पतला सा पराठा तैयार कर लेंगे। ये बहुत आसानी से सारे काम हो जाते हैं, पराठा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी आप सावधानी बरतिए, आपके घर में भी पराठा बहुत बढ़िया तैयार होगा। और ये कैबेज मोजरेला चीज का पराठा तो आप बच्चों को बना के देंगे, आपको बार बार वो बोलेंगे हमें ऐसे ही पराठे नाश्ते में बना के दो। तो अपनी पराठा का सेप तैयार हो गया है, चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं।
गैस पे हमने एक लोहे का तावा गरम कर रखा है, उस पे हम अपना धीरे से ऐसे पराठा छोड़ देंगे और एक साइड से हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। उसमें एक हल्की सी चिपटी जैसी आ जाती है, फिर हम आपको दिखाते हैं। एक साइड से अपनी पराठा सीख चुकी है, अब हम इसे धीरे से फ्लिप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड से हल्की हल्की चिपटी आई है, तभी हमें इसे उलट लेना है और दूसरे साइड से हम थोड़ा सा इससे करारादार सेकेंगे। तो अपनी दूसरे साइड से भी देख लीजिए पराठे सीख चुकी हैं। अब हम इसमें तेल लगाएंगे, तो यहाँ पे आप बटर, घी, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल लिए हैं। तेल को हम चारों तरफ फैलाते हुए ऐसे डालेंगे। आप देख सकते हैं तेल भरपूर मात्रा में डालने से पराठे करारेदार होते हैं। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसे फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड भी हम भरपूर मात्रा में तेल लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी पराठा खुली है, कैबेज और मोजरेला चीज का। तो हम उलट पलट के दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अपनी पराठे करारेदार सीख चुकी हैं, दोनों साइड से सीखी हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम स्पैचुला की मदद से इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से सभी पराठे हम सीख लेंगे। देख सकते हैं अपनी पराठे कितनी बढ़िया फूल रही है। तो यहाँ पे हमने उलट पलट के दूसरा पराठा भी बना लिया है। चलिए हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम बाकी सभी पराठे बना लेंगे। पराठे में तेल कभी भी आप डालिए, भरपूर मात्रा में डालिए और पराठेदार सेकिए। बहुत ही मजा आता है ये पराठा खाने में और उसमें जब मोजरेला चीज भरा हो तो फिर क्या करना। बड़े तो पसंद करेंगे ही, बच्चे भी लूट लूट के खाते हैं ऐसे पराठे। तो ये भी पराठा अपना अच्छे से फूल चुका है, दोनों तरह से करारे हो चुकी है। इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 पराठे बना लिए, चलिए हम बाकी का भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पत्ते गोभी के पराठा बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये लजीज लगता ही है। तो इसे आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।